जबलपुर में नगरीय निकाय चुनाव जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में 22 जून बुधवार प्रत्याशियों के नामांकन पत्र के नाम वापसी का दिन रहा, जिसमें महापौर पद के लिए 16 आवेदन आए थे और 4 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए। जबलपुर कलेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि महापौर के लिए 16 आवेदन आए हुए थे, 4 नामांकन पत्र प्रत्याशियों ने वापस ले लिए हैं। वहीं पार्षद पद के निर्दलीय व पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र वापस लिया। 375 प्रत्याशी जबलपुर शहर में पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। 580 नामांकन फॉर्म पार्षद चुनाव के लिए जमा किए गए थे, जिनमें से 193 नामांकन फॉर्म वापस लिए गए और 12 नामांकन फॉर्म किन्हीं कारणों से रिजेक्ट कर दिए गए। नॉमिनेशन वापसी का ना आखिरी तारीख था आज भी ना, मतलब नॉमिनेशन का ना मेयर पद के लिए भी ना वापस हुआ है। टोटल कुल हम लोगों का ना 16 एप्लीकेशन मेयर पद के लिए नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था, उसमें एक ऑलरेडी है ना किन्हीं कारणों से रिजेक्शन हुआ था। उसके अलावा मतलब 4 है ना प्रत्याशी ऐसे हैं अपना नॉमिनेशन वापस लिया है। सो कुल मिलाकर अभी 11 ऐसे प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए ना अभी भी है, उनको आज चिन्ह आवंटन की ना कार्रवाई ना आज ना कर रहे हैं। चिन्ह आवंटन के लिए भी चुनाव आयोग द्वारा एक निर्धारित है ना प्रक्रिया है, उसमें मान्यता प्राप्त है ना पार्टीज हैं और उसके बाद है ना मान्यता प्राप्त पार्टीज दूसरे स्टेट का है और रजिस्टर्ड पार्टीज है बट गैर मान्यता प्राप्त है, फिर निर्दलीय है। इसी प्रकार का चिन्ह आवंटन के लिए भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे 3 कैटेगरीज में ना आवंटन होना है, उसकी प्रोसेस है ना अभी चालू हो रही है।